हेलो दोस्तों नमस्कार मैं आपके लिए एक और नई वीडियो ले आया हूँ ये वीडियो धमाकेदार होने वाली है इसमें हम रोकवेल के साढ़े तीन सौ लीटर जो जंबो मॉडल डी फ्रीज़र आता है सिंगल डोर में उसकी अनबॉक्सिंग करूँगा उसके फ़ीचर के बारे में बताऊँगा कैसी क्या फ़ोटोज़ रहती है ए, कितने का आपको मिलेगा कहाँ से ख़रीद सकते हैं इन सब चीज़ों के बारे में बताऊँगा और और ये वीडियो जो लेके आए हैं हम एस फ्रीज़र की तरफ़ से लेके आए हैं Uh, डी फ्रीज़र के फीचर के बारे में बताएंगे और डी फ्रीजर को हम अनबॉक्सिंग कर लेते हैं उसके बाद उसके फ़ीचर के बारे में बात करेंगे प्राइस क्या रहने वाला है कहाँ से ख़रीद सकते हैं क्या वारंटी रहेगी सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे दोस्तों ये रोकवेल का एस मॉडल जम्बो फ्रीज़र होने वाला है साढ़े तीन सौ लीटर में सिंगल डोर डी फ्रीजर आता है इसकी अगर वारंटी की बात करें तो डी फ्रीजर में आपको चार साल कंप्रेसर चार साल बॉडी फैन थर्मोस्टेट सभी पार्ट की वारंटी आपको चार साल मिलती है और इसमें जो कंपनी आपको सर्विस प्रोवाइड करती है एक साल फ्री सर्विस प्रोवाइड करती है उसके बाद जो ओनली आपको सर्विस चार्ज देना रहता है बाकी अगर कोई पार्ट ख़राब होता है तो कंपनी उसको फ्री ऑफ कॉस्ट चेंज करती है बाकी ऊपर बात करें तो इसमें डोर के अंदर ऊपर एक लॉक दिया गया है जिससे हम अपने डीप फ्रीजर को लॉक कर सकते हैं और इसके ऊपर एक प्लास्टिक की पॉलीथीन लगी हुई है जो लेमिनेशन टाइप आती है और यहाँ कोने में लिखा हुआ है ये आपको पढ़ना है फ्रीजर के छः घंटे लगातार चलने के बाद ही उसमें फ्रोजन फूड और आइसक्रीम अगर हम डी फ्रीज में कोई फ्रोजन फूड रखने वाले हैं कोल्ड ड्रिंक के अलावा तो हमें डी फ्रीज़र को छः घंटे लगातार चलाना है उसके बाद उसमें हमें फ्रोजन फूड रखना रहे ये कंपनी लिख के देती है जैसे अगर नए बंदों को नहीं पता रहता तो इसलिए कंपनी लिख के देती है कंपनी ने एक चीज़ का अच्छे से ध्यान रखा है काफ़ी डी फ्रीज़रों में क्या आता है यहाँ से हैंडल आता है जिसको हम पकड़ के डी फ्रीज़र ओपन करते हैं इस प्रकार से लेकिन वो क्या रहता है टूटने का खतरा रहता है तो रोकवेल कंपनी ने क्या किया है जो डी फ्रीजर का हैंडल होता है वो बगल में दिया है यहाँ से आपको अगर डी फ्रीज़र ओपन करना है, तो ऐसे यहाँ हाथ डालना है और डी फ्रीजर इस प्रकार से ओपन हो जाएगा बाहर लॉक दिया गया था वो भी काफ़ी हैवी लॉक दिया गया आप देख सकते हैं ये लॉक है जिससे आप अपने डी फ्रीजर को लॉक कर सकते हैं और अंदर ये प्लास्टिक यूज़ किया गया है ताकि जंग वगैरह का कोई भी खतरा ना रहे फ्रीजर को आसानी से इस प्रकार से पक यहाँ से पकड़ के आसानी से बंद और खोल सकते हैं ये फ्रीजर में आपको दोनों साइड देखने के लिए मिलता है ये देख सकते हैं इस साइड भी आपको पकड़ने के लिए दिया गया फ्रीजर की कंप्रेसर वाली साइड है इस साइड भी यहाँ पे आप अपना आराम से हाथ हैंडल के टाइप तरीके से पकड़ के इसे ऊपर की तरफ ओपन कर सकते हैं आसानी से कोई भी आपको दिक्कत नहीं होने वाली है फ्रीजर को खोलने में और बंद करने में अंदर डी फ्रिज में ये एक बास्केट देखने के लिए मिलेगी आपको और एक रेड लाइन देखने के लिए मिलती है डी फ्रीजर में इसमें लिखा हुआ सामग्री यहाँ तक सीमित रखिए मतलब कि जो आप डी फ्रिज में माल रख रहे हैं प्रोडक्ट रख रहे हैं वो इस लेवल से ऊपर ना लेके जाए हो सके तो इस लेवल से नीचे अगर आप अपना प्रोडक्ट रखेंगे तो डी फ्रिज को कूलिंग करने में ज़्यादा प्रेशर नहीं आएगा ज़्यादा जोर नहीं पड़ेगा और अगर बात करें डी फ्रीजर में एक कंप्रेसर का जो कैबिनेट दिया गया है आप देख रहे हैं इस कैबिनेट के ऊपर एक ब्रैकेट दिया गया है ताकि आप जो कैबिनेट को ऊपर प्रोडक्ट रखें वो नीचे ना गिर पाए और ये कैबिनेट आप ऊपर या नीचे खिसका सकते हैं या इसको हटाना चाहते तो हटा भी सकते हैं कंपनी ने सभी चीज़ों का अच्छे से ध्यान रखा हुआ है और हिंदी में भी आपको लिख के दिया है इंग्लिश में भी ताकि समझने में आपको कोई भी दिक्कत ना हो और ये जो बास्केट है ये आप इसको खिसका सकते हैं जहाँ भी आप एडजस्ट करना चाहते हैं एडजस्ट कर सकते हैं और बात करें बेसमेंट की डिप फ्रीजर की तो नीचे बेसमेंट में एक आपको वाटर वाल दिया गया है जिससे आप डी फ्रीजर का पानी निकाल सकें ये नीचे डी फ्रीजर में आपको वाटर वाल देखने के लिए मिलता है जिससे आप जो डी फ्रीजर में पानी इकट्ठा होता है फ्रीज में उसको आसानी से निकाल सकें ये कुछ इस प्रकार से आपको निकाल सकते हैं इसको ये आप देख सकते हैं इस प्रकार से आप खींचेंगे तो ये बाहर निकल जाएगा ये फ्रीजर में नीचे आपको एक कंप्रेसर का बल्ब दिया गया एक लाइन का बल्ब दिया गया जब कंप्रेसर ऑन होगा तो कंप्रेसर वाली ये जो ऑरेंज लाइट है ये ऑन हो जाएगी और जब फ्रीजर ऑन रहेगा तो ये जो ग्रीन लाइन है ग्रीन लाइट है ये ऑन हो जाएगी आपको पता रहे ताकि हमारा डिफ्रीजर चल रहा है या नहीं चल रहा है इसके साथ ही इसमें आपको ध्यान से देखेंगे तो वन टू सेवन तक टेम्परेचर कंट्रोल मिलता है इसका मतलब ये है एक से अगर पाँच तक टेम्परेचर रखेंगे तो ये ओनली कूलर करेगा मतलब कि जो अंदर प्रोडक्ट रखा हो उसको ठंडा करेगा और अगर आप डिफ्रीजर का टेम्परेचर पाँच से सात के बीच में रखेंगे तो वो डिफ्रीजर का टेम्परेचर ठंडे की बजाय वो बर्फ़ बना देगा जो अंदर प्रोडक्ट रखा हुआ है उसकी बर्फ़ बन जाएगी इस डीप फ्रीजर को जिसके अंदर ये टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम आता है उस डीप फ्रीजर को हम कन्वर्टेबल डीप फ्रीजर बोलते हैं तो ये जो डीप फ्रीजर होने वाला है ये रोकवेल का साढ़े तीन सौ लीटर सिंगल डोर कन्वर्टेबल फ्रीज होने वाला है इसमें आपको कन्वर्टेबल के लिए एक रेगुलेटर दिया गया है इसमें आपको रोकवेल का कस्टमर केयर मोबाइल नंबर देखने के लिए मिलता है कंपनी के सीरियल नंबर देखने के लिए मिलता है पावर कंजप्शन क्या रहेगी वो लिखा हुआ है रेट ऑफ पावर कंजप्शन गैस कौन सी दलती है वो दिखा गया है सर्किट डायग्राम बनाया गया है एक भी कनेक्शन कैसे होंगे इसके अलावा जो ये जो आर दो सो नौती है फ्लेमल गैस रहती है इको फ्रेंडली रहती है उसके बारे में लिखा गया है हमारे जो फ्रीजर आते हैं वो थ्री साइड एयर सर्कुलेशन के साथ आते हैं इसमें आपको इधर भी वेंटिलेशन के लिए मिलेगा और फ्रंट में भी वेंटिलेशन के लिए मिलेगा और इसके पीछे भी आपको एक वेंटिलेशन के लिए और वायर दी गई है पीछे की तरफ ठीक है दोस्तों इस वीडियो में इतना ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए और कोई आपका सवाल जवाब है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं आ, मैं इस वीडियो में आपको मोबाइल नंबर भी प्रोवाइड कर दूंगा जिसमें आपको कॉलिंग टाइम जो रहेगा सुबह दस बजे से शाम पाँच बजे तक रहेगा